रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर में कांग्रेस सेवा दल की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के समापन अवसर पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने काफी तलखी दिखाई और मंच से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ललकारते हुए तीखे बयान भी दिए। अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री को ललकारते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बार बार चुप रहने को तो कहते हैं, लेकिन विपक्ष कभी भी चुप नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने अपनी जुबान नहीं बदली तो कांग्रेस नेता भी जोर से बोलना जानते हैं। हमीरपुर में कांग्रेस सेवा दल की भारत छोड़ो तिरंगा यात्रा के समापन अवसर पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने काफी तलखी दिखाई और मंच से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ललकारते हुए तीखे बयान दिए। अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री को ललकारते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बार बार चुप रहने को कहते हैं, लेकिन विपक्ष चुप नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने अपनी जुबान नहीं बदली तो कांग्रेसी नेता भी जोर से बोलना जानते हैं। कांग्रेस सेवा दल के भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का हमीरपुर में जोरदार प्रदर्शन के बाद समापन हो गया। समारोह में अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक राजेंद्र राणा, पूर्व विधायक अनीता वर्मा, कुलदीप पठानिया सहित काफी संख्या में सेवा दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पहले सेवा दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर बाजार में पैदल पदयात्रा की और गांधी चौक में आकर प्रदर्शन को खत्म किया। कार्यक्रम के दौरान मंच से कांग्रेस सेवा दल के नेताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर गुवार निकाला। गाय है कि मुझे कांग्रेस के सेवा मिल रही है और दिल्ली में आने उन्हें ले आया है। मुख्यमंत्री ने भी बात को ऐसे कर रहे हैं जैसे दिल्ली से वोट हो गए हैं। कोई कोई अस्पताल का रोड पर दिल्ली वाले वाले ले लिया पूरी कैबिनेट के लिए के और हिमाचल में सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और दिया हमारे आ रही है और मैं मुख्यमंत्री जी को एक मंजिल से बाजार करके इस मंच से कह दिया जाता हूं। वो कह रहे हैं कि हम सब देख रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि आप 2022 कोई संविधान ना देंगे तो अच्छे रहेंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जितनी मर्जी कांग्रेस के ऊपर जांच करवा लो और परेशान कर ले, लेकिन 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पर एक बार फिर से तंज कसा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सत्ता एक्सीडेंटल मिली है और इसे संभाल कर रखें। और तिरंगा यात्रा के समापन अवसर पर पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल पूरे देश में 50 पद यात्राएं निकाल रहा है और 4000 किलोमीटर पैदल चलने का निर्णय लिया था, जिसके तहत ही हिमाचल में भी पद यात्रा की गई है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच पहुंचने के लिए सेवा दल काम कर रहा है, जो कि आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। लोगों के बीच में घूमने के पथ पर चलने का तय किया
और हम जनता के बीच से जाने की जरूरत है, जनता के दिलों तक पहुंचने की जरूरत है और सेवा दल के रूप में हम अपने कार्य ग्रहण करने का निर्णय लिया। जनता की सेवा करेंगे और राष्ट्रवाद का काम करेंगे और राष्ट्रवाद का काम ऑफिसर बैंक का नहीं होता है, राज्य निर्माण का काम जनता के बीच से जाकर होता है। लालजी देसाई ने कहा कि आज देश का माहौल पूरी तरह से खराब हो गया है और मोदी राज में जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि आज शर्म से सिर झुक जाता है, कहते हुए कि मोदी और शाह के गुजरात के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि देश के लड़ने वाले गांधी के गुजरात को आज भी फकर से लोग कहते हैं, लेकिन गुजरात के नाम को मोदी और शाह ने बदनाम किया है। एक अलग तरीके से देश माहौल खराब करके रखे हुए हैं। शर्म से मेरा सर झुक जाता है कि जब भी बाहर निकलता हूं तो पहले क्या आता कि मैं गांधी और सरदार के गुजरात से हूं और तब फक्र से सर ऊंचा करके मैं कहता था कि हाँ मैं गुजरात से हूं। और अब जब बाहर निकलता हूं तो लोग पूछते थे गुजरात से हो, तो मैं कहता हूं गुजरात से हूं, तो फिर पूछते हैं कि क्या मोदी और शाह के गुजरात से हो, तो मैं मीडिया के साथियों को कहता हूं कि नहीं, मैं मोदी और शाह के गुजरात से नहीं हो सकता हूँ, मैं गुजरात से नहीं हो सकता हूँ, मैं गांधी और सरदार के गुजरात से हूँ जो देश के लिए लड़े थे, देश को बर्बाद नहीं किया था। बदलनी पड़ेगी, भारत की भाषा प्यार की भाषा है, भारत की भाषा नफरत की भाषा कभी नहीं हो सकती है। और इसीलिए हम लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी गए लगातार कहते रहते हैं कि भाई कितना नफरत आप इस देश में लगाओगे, कितना जहर इनके दिलों में घोलोगे, छोटे छोटे बच्चों को आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो, आप बच्चों को ये सिखा रहे हो एक दूसरे के प्रति नफरत। लालजी देसाई ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया था। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा के नेता बताएं कि किस परिवार को स्वतंत्रता सेनानी का तगमा लगा है। उन्होंने मंच से बीजेपी के शीर्ष नेताओं के नाम लेते हुए कहा कि बताएं कि किसके नेताओं ने स्वतंत्रता की जंग लड़ी थी। वो कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, हम तो कहते हैं हम राष्ट्रवादी नहीं है, हम देश प्रेमी हैं, हम देश प्रेमी हैं, हम इस देश का प्यार करते हैं, हम वाद या विवाद नहीं करते हैं, हम हिंदू और मुसलमान नहीं करते हैं, हम शासन और व्यवस्था नहीं करते हैं, हम भारत और पाकिस्तान नहीं करते हैं, हम इस भारत को पूरे दुनिया में झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजय तिरंगा प्यारा। हम तो और बात करते हैं, आप तो कॉम्पिटिशन किससे कर रहे हो, पाकिस्तान से? हम तो कॉम्पिटिशन बात करते हैं, दुनिया की सबसे श्रेष्ठ इकोनॉमी हो वो अमेरिका और चाइना और रशिया से हम मुकाबला करने की बात करते हैं, आप तो बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान करते हो, फिर बाद में वहां पर जाकर बिरयानी भी खा ले रहे हो। आप लोग 11 बार माफी मांगे, 9 बार लेकिन माफी मांगे हैं आजादी के जंग में, एक तो बंदा दिखाओ जिसको स्वतंत्र सेनानी का बिरुद आप में से मिला हो। मोदी जी के परिवार से, शाह के परिवार से, अनुराग ठाकुर के परिवार से, कोई भी भाजपा के परिवार से एक बंदा बताए जो देश के आजादी के जंग में लड़ा हो और वहां पर कह सके हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, एक नहीं